थार में रविवार तड़के शुरू हुई बारिश पूरे दिन रुक रुक कर चलती रही। इससे एक और जहां तापमान में कमी आने से ठिठुरन बढ़ गई, तो इस बारिश ने व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। बाड़मेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इससे गड्ढों में पानी भर गया और पूरे दिन वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। थार में रविवार तड़के शुरू हुई बारिश पूरे दिन रुक रुक कर चलती रही। इससे एक और जहां तापमान में कमी आने से ठिठुरन बढ़ गई, तो इस बारिश ने व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। बाड़मेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इससे गड्ढों में पानी भर गया और पूरे दिन वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरअसल रविवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बाड़मेर में अचानक बारिश का दौर शुरू हो गया। रविवार तड़के शुरू हुई बारिश देर शाम तक रुक रुक कर जारी रही। पूरे दिन में करीब 17.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बेमौसम की बारिश से जहां तापमान में कमी आई, तो सर्दी में भी इजाफा हुआ, लेकिन इससे शहर की सड़कों को नुकसान पहुंचा। शहर में कई सड़कें बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। इन गड्ढों में अभी भी पानी भरा है और वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यही नहीं, शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर भी बारिश की वजह से गड्ढे हो गए। इन गड्ढों में पानी भरा होने से रविवार को एवं सोमवार को राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार को हुई बेमौसम बारिश से शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। कई जगह नाले अवरुद्ध हो गए तो गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। वहीं कई जगह सड़कें पानी से लबालब हो गई। काफी स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। इन क्षतिग्रस्त सड़कों पर आवागमन के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।